हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर ने आज एक क्वेश्चन किया है कि पीपीई किट क्या होता है। पीपीई किट, तो पीपीई किट आजकल हम अच्छी तरह जानते हैं कि जबकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, उस टाइम में पीपीई किट ये बहुत सुनने में आता है। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर्स या जो भी कोरोना को ट्रीट कर रहे होते हैं, वो खास तरह का कपड़ा पहने हुए होते हैं, तो उसको हम पीपीई किट कहते हैं, पीपीई किट। लेकिन इसका अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें, तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब वो इक्विपमेंट जो अपने आपके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उसी को पीपीई किट कहा जाता है। अब ये तो एक मेडिकल फील्ड में आजकल आप देख रहे हैं कोरोना के टाइम में, कि लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो पीपीई किट पहने हुए होते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये पीपीई किट है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पीपीई किट देखते हैं, जो उनको फोटोज में या डॉक्टर्स को हम देखते हैं पीपीई किट पहने हुए, तो हम जानते हैं कि ये पीपीई किट है। लेकिन एक्चुअल में पीपीई किट क्या होता है? पीपीई किट ये होता है कि किसी भी फील्ड में, आप ये मेडिकल फील्ड से अगर आप अलग हटें और इलेक्ट्रिक की फील्ड में आए, तो इलेक्ट्रिक की फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो जब कोई काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है कि उनको करंट लगने का डर होता है। तो उसमें जब उनको करंट लगने का डर होता है, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए उनको खास तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए होते हैं, और उनके खास तरह के कुछ उन वो ग्लव्स होते हैं ताकि उनको करंट ना लगे, उनके शूज होते हैं, और वो अगर कहीं ऊंचाई पर चढ़े हुए होते हैं तो उनके सर पे जो है वो हेलमेट टाइप की एक हार्ड कैप होती है, वो एक बेल्ट लगाए हुए होते हैं, और वो बेल्ट एक दूसरे बेल्ट से बंधी हुई होती है जहाँ से वो लटके हुए होते हैं ऊपर पोल में। तो ये सारा कुछ उनके लिए पीपीई किट होता है, क्योंकि वो उनको इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है, उनको ऊपर से नीचे गिरे तो चोट ना लगे, इससे उनको बचना है, तब उनके लिए वो चीज़, वो सारे इक्विपमेंट, वो पीपीई किट उनके लिए हो जाता है। रोड पर अगर कोई काम कर रहा है, तो रोड पर जो काम, रोड को देखने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं, वो रात में क्या हार्ड कैप पहने हुए होते हैं, कुछ खास तरह की जैकेट्स पहने हुए होते हैं, और वो जैकेट इस तरह से होती है कि उस पर लाइट पड़े तो रिफ्लेक्ट हो, उनके शूज़ इस तरह से होते हैं कि उनके शूज़ वो पहने रहें तो जो रोड का टेम्परेचर है वो उनके पैर को नुकसान ना करे, नुकसान ना पहुँचाए, तो उनके उस तरह के शूज़ होते हैं, तो ये उनके लिए पीपीई किट हो जाता है। तो पीपीई किट ये होता है कि आपके एनवायरनमेंट से जो नुकसान पहुंच सकता है आपको, उससे बचाए, जो उसको पीपीई किट कहा जाता है, उन इंस्ट्रूमेंट को या उन इक्विपमेंट को पीपीई किट कहा जाता है। और ये अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग होता है। मेडिकल की फील्ड में आपने बहुत फोटोज में देखा, आप कोरोना के टाइम में आप देख रहे हैं कि पीपीई किट क्या होता है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि वो पूरा अपने आप को कवर किए रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक वायरस से बचना हुआ होता है, बचना होता है कि वो वायरस उनको उन तक ना पहुंच पाए और वो पीपीई किट तक के ही रहे, फिर उसको पीपीई किट उतार देते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो पीपीई किट उनको उस वायरस से बचाने के लिए है, उस एनवायरनमेंट में जब वो जाते हैं कि जहां पर कोरोना के पेशेंट होते हैं। तो इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में देखेंगे तो उनके लिए पीपीई किट अलग तरह का होगा, आप किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप नेवी में जाएंगे तो वहां के लिए पीपीई किट अलग होगा, आप जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां पर आप इंजीनियर्स को देखेंगे तो उनके लिए जो पीपीई किट होगा वो अलग तरह का पीपीई किट होगा। तो पीपीई किट अगर आप ओवरऑल देखेंगे उसमें, तो पीपीई किट में वो इक्विपमेंट शामिल होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं जो कि उस खास, उस पर्टिकुलर माहौल में, उस पर्टिकुलर माहौल के नुकसान से आपको बचाते हैं, मतलब पहनने वाले को बचाते हैं, तो उसी को कहा जाता है पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उम्मीद करते हैं ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पीपीई किट क्या होता है। और अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी और तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।